सो हेलो गाइज, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एंड आज का जो है हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी पहले तो मुझे IGMC की तरफ जाना था, हम वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलेज जाएंगे, फिर बीच की जो जर्नी है आपको दिखाएंगे और होप करते हैं आज की राइड मंगलमय रहे। बाकी तो सब ऐसा ही है एंड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की राइड को। एंड गाइस, आज जो है हमें अपने हेलमेट पे थोड़ा सा एक छोटा सा काम करवाना है। इसमें जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसको थोड़ा डार्क करवाएंगे, इसमें ब्लैक फिल्म चलवाएंगे शायद से, देखते हैं क्या रहता है, क्या कराते हैं हम आज से। स्लोली करेंगे ना गाइस, क्योंकि थोड़ा रश होता है एंड हवाएं भी बहुत ठंडी चलती है, बट अब धूप निकल चुकी है तो फिर इतना ठंडा नहीं होता। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ, मतलब बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वो एक अलग ट्रक लगा था, उस वजह से थोड़ा सा हमें नीचे लेना पड़ गया। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा बिल्कुल धीमी स्पीड में चलानी चाहिए। धीमी तो क्या, मतलब जो कंट्रोलेबल स्पीड होती है उसमें चलानी चाहिए, बाकी ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, जितना कंट्रोल हो सके उतना ही करना चाहिए। ये देखिए अभी आगे से कार आ रही है तो हम रुक गए यहाँ पे। ये देखिए अब लेंगे हम इसे ओवरटेक, क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप आ चुका है। इससे क्या रहता है कि जो शौक है वो कम हो जाता है। फोर पे गियर डाउन करके हमने स्पीड को कंट्रोल कर लिया है। देखिए गलत ओवरटेक, एक छोटी सी गलती आप पड़ी से दो। करने से दो फायदे हो जाते हैं, जैसे हम थोड़ा स्लो डाउन भी हो जाते हैं एंड जो इंस्टेंट पिकअप होता है वो हमें मिल पाता है उसके बाद। एंड ये मशोबरा का बाजार, आगे सीधा मोड़ आएगा, वहां पे हम थोड़ा हाइपर राइड करेंगे, इसको भगाएंगे, खोलेंगे थोड़ा अपने पावर्स को, पुश अप करेंगे, देखिएगा
मेरे ये जेसीपी जेसीबी सॉरी गलती हो जाता कभी तो। हमने किसी को ओवरटेक करते हुए यहाँ से शॉर्टकट मारते हुए अब हमारा जो है सीधा रोड आने वाला है। वैगनार को ओवरटेक करते हुए खींचो ऐसी स्पीड को स्लो कर लो क्योंकि कभी रिस्क ले लेते कभी कभार बट धोखा नहीं करना यार। हाथों में थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। अब देखते हैं आगे। अभी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा ग्लव्स क्योंकि हाथ देखिए बिल्कुल ठंडे हो चुके इस टाइम। गाइस आगे से गाड़ी आ रही थी और स्पेशली बसेस के पीछे से तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं दिखता। बसेस एंड ट्रक्स जैम बगाओ गाइस देख रहे हो गाइस हम मंदिर की तरफ से ही चलेंगे संजौली होते हुए। तो देखो आगे
गाइस 10 बज चुके हैं, मतलब 4 मिनट है 10 बजने को, एंड तुम जाम देख रहे हो। मोड में अंदर कर लो यार, देखो यहाँ पर एक यार गाइस शॉप है, वहाँ पे मेरे को कुछ काम था, देखेंगे बाद में। सबसे मोटरबाइकर्स का सबसे फेवरेट पार्ट, वो देख रहे हो बाइकर्स का सबसे फेवरेट पार्ट गाइस यार। बस ऐसी जगहों पे थोड़ी दिक्कत आएगी बट मैक्सिमम नहीं आती इतनी। जा रहे हम इधर ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब सब फंसे हुए होते हैं और हम बाइकर से एकदम से निकल जाते हैं, बेस्ट फीलिंग है, मजा ही आ जाता है यार। भाई तेल डाल लेते हैं, नहीं तो कहीं भी खड़ी हो सकती है।